भारतीय जनता पार्टी के राहुल शर्मा वार्ड 36 ने बताया कि मैंने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य किया तथा जनता का दिल जीता और मैं जनता से अपील करता हूं कि भारी मतों से मुझे जिताएं ताकि मैं आने वाले कल को आपकी झोली में खुशियों की तरह भर दूं और जो कमी रह गई है मैं उस कमी को पूरा करने का वादा करता हूं और सभी का साथ देने का वादा करता हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर यह वादा करता हूं कि जैसे कि अभी तक आपका सहयोग मुझे मिलता चला आ रहा है, उम्मीद करता हूं आगे भी यही सहयोग और आपका स्नेह मिलता रहेगा। मैं फिर दोबारा आपके बीच खड़ा हूं और आपसे अनुरोध है कि भारी मतों से मुझे जिताकर कामयाब बनाएं। मैं राहुल शर्मा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी वार्ड 36 गुलाबबाड़ी और सूरजनगर से पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ। सर, कमल के फूल से आप खड़े हैं, आपको चिन्ह मिला, आप संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए, मेरा संदेश यही है, मैं लगातार 2000 से इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ और लगातार उसके बाद 2006 में मुझे यहाँ जनता ने पहली बार पार्षद चुना और उसके बाद से लगातार जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ये मेरा चौथा चुनाव है और मैं इस चौथे चुनाव में अपने इस क्षेत्र के निवासियों से, अपने वार्ड के निवासियों से यही अनुरोध करता हूँ कि मेरे जो काम का आधार है उस काम के आधार पर आप मुझे वोट करें। मैंने इस क्षेत्र के लिए इतना विकास किया है, देखिए चाहे घर घर जल, इस पूरे वार्ड में हम सुबह और शाम लगातार पानी की, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमने इस कार्यकाल में जो हमारा पिछला टेन्योर रहा है जिसमें मेरी धर्मपत्नी पार्षद थी, हमने उस कार्यकाल में भी इस वार्ड में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। क्या कि ये वार्ड बहुत लगातार ग्रोइंग कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, इसमें आबादी एकदम लगातार बढ़ रही है, तो कुछ गांवों का भी अभाव भी है, जो नया क्षेत्र बसा है वहां भी सड़कों का अभाव है। लेकिन हमने अभी एक नया काम किया, अभी शहर में भी पाइपलाइन से गैस की आपूर्ति नहीं है, लेकिन इस पूरे वार्ड के अंदर, इस वार्ड 36 गुलाबबाड़ी सूरजनगर के अंदर हमने घर घर टोटी से गैस पहुंचाने का काम अपने इस कार्यकाल में किया है। जिस समय गैस के काम के दौरान सड़कें बहुत सारी क्षतिग्रस्त भी हुई हैं, सीवर हर घर पहुंचाया है, उससे भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। जैसे ही हमारा सीवर का काम तो लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन गैस का काम थोड़ा बहुत अभी बचा है। जैसे ही हमारा गैस का काम खत्म होगा तो हम बेहतर रोड और उनको बना के देंगे। साथ ही साथ मैं ये भी अपील करता हूँ कि कुछ लोग आपको बहकाएंगे, कुछ लोग बरगलाएंगे, आपने मुझे लगातार, मेरे परिवार को मुझे लगातार अपना समर्थन दिया है, मैं आपके बीच का आपका बेटा हूँ, मुझे इस बार चुनाव में भारी मतों से जिताएं, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज क्षेत्र के लोगों से आपको कितना सहयोग मिल रहा? क्षेत्र के लोगों से अपार अपार सहयोग मिल रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग मुझे एकदम गले लगा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि हाँ आपने कितने यहाँ ऐतिहासिक कार्य किए। लेकिन कुछ लोगों की शिकायतें भी हैं, जैसे सफाई से संबंधित शिकायतें, तो मैंने लोगों को बताया है कि जो शहर का आधा हिस्सा, लगभग हमारे शहर में हमारे 70 वार्ड है, 70 वार्डों में 35 वार्डों का ठेका प्राइवेट कंपनी को जा चुका है और हमारे जो वार्ड का ठेका भी वो भी प्राइवेट कंपनी को जा रहा है। जैसी प्राइवेट कंपनी को काम जाएगा यहाँ सफाई और स्वच्छता बेहतर होगी, ऐसा मैं लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। बाढ़ के क्षेत्र क्या अपील करेंगे आप लोगों से? मेरी यही अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए,